कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार को फायरिंग करके शहीद करने वाला मुलजिम साबिक डिप्टी कमिश्नर का बेटा निकला। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने मुलजिम के वालिदैन का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। नजीशा आगाह कीजिए इस हवाले से। डिफेंस में पुलिस एहलकार को शहीद करने वाले मुलजिम के बारे में मजीद तफसीलात सामने आई हैं। पुलिस का ये कहना है कि जो मुलजिम का जो वालिद है वो साबिक डिप्टी कमिश्नर है। मुलजिम के जो वालदेन से पुलिस की जानिब से मुकम्मल बयान रिकॉर्ड कर लिए गए और मुलजिम के जो वालिद निसार अहमद हैं उनका कहना है कि वो साबिक डिप्टी कमिश्नर है। डीआईजी साउथ इरफान बलोच से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि मुलजिम के वालिद माजूरी की वजह से व्हील चेयर पर हैं, जबकि इस वाके का मुकदमा भी सरकार मुजहद में दर्ज कर लिया गया जिसपे बाकायदा पोस्टमार्टम की और एमएलओ की रिपोर्ट के साथ पूरा जिक्र किया गया कि किस तरीके से ये वाकया रोनुमा हुआ और जो मुलजिम का जो साथी एहलकार अमीनुल हक था उससे भी मुकम्मल तौर पर बयान लेने के बाद इस केस पर मजीद काम किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।